हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ मोबाइल डॉक्टर मिजानुर। फ्रेंड्स, आज मेरे पास है एक रेडमी 5A मोबाइल आया और ये मोबाइल वाटर डैमेज है। कस्टमर का कहना है कि ये पानी में गिरने के बाद तुरंत उठा लिया था, उसके बाद इसका कंडीशन क्या है आप देखिए। देखिए मैं लोगा है, मैंने इसका बोर्ड भी साफ किया था जब मेरे पास आया, तो मैंने साफ सफाई किया, कुछ थोड़ा सा हीटिंग करके चेक किया, तो देखिए एमआई लोगो आया फिर ब्लैंक हो गया। लेकिन इसमें एलसीडी में लाइट रहता है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा हाँ, देखिए इसमें लाइट है, एलसीडी में लाइट है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लाइट है, सिर्फ ग्राफिक चल रहा है। हम दोबारा एक बार दिखाते हैं आपको, देखिए मैंने ऑन किया तो देखिए एमआई लोगो आया। अरे देखिए चला गया, ब्लैंक हो गया। इसमें सिर्फ ग्राफिक चल रहा है, सॉरी ग्राफिक चला जा रहा है और मोबाइल भी पूरी तरह से ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा ही रहता है। मैंने 10 मिनट ऐसे छोड़ दिया था तो मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो गया और मोबाइल चालू भी नहीं हुआ। मैंने पीसी में चेक किया तो चालू नहीं है। 10 मिनट बाद मैंने जस्ट एक बार जस्ट पावर स्विच प्रेस किया तो देखा दोबारा रीस्टार्ट हो गया। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो मैंने चेक किया तो ग्राफिक आईसी तो सही लग रहा है, आपको भी एक बार दिखा देता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं। देखिए हमारा बोर्ड है, देखिए एकदम फ्रेश साफ बोर्ड लग रहा है, एकदम फ्रेश है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं गया, एकदम साफ है। तो अगर ग्राफिक आईसी ख़राब होता तो फर्स्ट टाइम लोगों कैसे आएगा। ठीक है, अगर होता है तो हम ग्राफिक की जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वो भी एक बार चेक करेंगे क्या है क्या नहीं, वो देखते हैं। तो इसके लिए हम स्कीमेटिक इस्तेमाल करेंगे, मेरे पास बॉर्नियो है, हम बॉर्नियो इस्तेमाल करेंगे और स्कीमेटिक यूज़ करेंगे, हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, क्योंकि हार्डवेयर सॉल्यूशन सब फोन के लिए नहीं मिलता है। आपको भी स्कीमेटिक पढ़ना नहीं आता है आप भी देख सकते हैं, हम सबके लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलते हैं स्कीमेटिक में, देखिए मैंने बॉर्नियो ओपन किया और ये स्कीमेटिक, यहाँ से हम 5A को ओपन करेंगे। ये हमारा 5A, इसमें से हम दो चीज़ हमें ज़रूरत है, एक लेआउट एक स्कीमेटिक। स्कीमेटिक में हम उसका जो वायरिंग होता है वो चेक करेंगे और लेआउट में चेक करेंगे कि इसका पोजीशन किधर है। तो पोजीशन देखने के लिए हम लेआउट ओपन करेंगे सबसे पहले और उसके बाद हम स्कीमेटिक चेक करेंगे। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, सबसे इजी तरीके से रीड करने के लिए कंबाइन करेंगे। वैसे तो हम इसमें से सर्च कर सकते, इधर लेआउट से हम नंबर देखकर सर्च कर सकते हैं पार्ट नंबर देखकर, लेकिन हम कंबाइन करेंगे तो डबल क्लिक में आ जाएगा। देखिए ये कंबाइन करता हूँ, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ। स्कीमेटिक में कुछ देर बाद ऐसा होता है, दोबारा ओपन करना पड़ता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। ये 5A कॉमन है, इसका ग्राफिक सेक्शन सबको पता है, फिर भी हम स्कीमेटिक में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कौन सी लाइन कहां पर है, इसलिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो हमें पता है ये किधर कौन सा क्या वोल्टेज मिलता है, फिर भी आपको दिखाने के लिए हम स्कीमेटिक इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं स्कीमेटिक में,
ये 5 है। पहले लेआउट को चूज़ करेंगे, फिर स्कीमेटिक ओपन करेंगे। अब हम इन दोनों को कॉम्बाइन करेंगे। देखिए कॉम्बाइन पे मैंने टिक किया स्कीमेटिक के लिए, और लेआउट के लिए कॉम्बाइन पे फिर टिक किया, और इधर नीचे कॉम्बाइन सॉल्यूशन लिखा है, इधर हमें क्लिक करना है। बस देखिए राइट साइड में हमारा लेआउट आ चुका है और लेफ्ट साइड में इसका स्कीमेटिक ओपन हो चुका है। तो इधर से हम ग्राफिक सेक्शन को ढूंढ लेते हैं। देखिए ये हमारा लाइट सेक्शन है और ऊपर ये ग्राफिक सेक्शन है। ये हमारा ग्राफिक आईसी ये है। तो इधर हम डबल क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारा स्कीमेटिक दिखाई देगा, लेकिन बहुत छोटा है तो इसलिए हम बड़ा कर लेंगे तो इजी रहेगा देखने में। तो अभी हम लेआउट में डबल क्लिक करते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में आ चुका है, ये हमारा ग्राफिक सेक्शन है। तो इसमें से हमें मेन चीज़ चेक करना है कि VPS पावर बन रहा है कि नहीं। ये आईसी की मेन लाइन है, अगर ये नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये बन रहा है क्योंकि मोबाइल फास्ट जब ओपन करता हूँ तो हमें MI लोगो आता है। इसका मतलब ये वोल्टेज आ रहा है, लेकिन आने के बाद क्या हो रहा है वो देखना है कि चला जा रहा है कि नहीं। जब LCD ब्लैंक हो रहा है उस टाइम सही से वोल्टेज रहता है या नहीं वो चेक करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले VPS पावर को चेक करेंगे। तो वो चेक करने के लिए हम इस कॉइल को देख सकते हैं, या तो हम कैपेसिटर को देख सकते हैं, इसमें हम टेस्ट कर सकते हैं। तो हम कैपेसिटर ही चेक करेंगे। तो इसमें डबल क्लिक करते, देखिए डबल क्लिक किया तो नीचे ग्राफिक आईसी की नीचे एकदम नीचे ये दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर वोल्टेज टेस्ट करेंगे कि हमारा VPS पावर बन रहा है कि नहीं। तो मीटर को हम वोल्टेज मोड में सेट किया और मोबाइल अभी ऑन है तो हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो कहीं हम ग्राउंड ले लेते हैं और ये VPS पावर, देखिए पावर तो बन रहा है लेकिन इसमें चार्ज कम है इसलिए 3.0 हो रहा है। तो हम एक बार चार्जिंग में लगा के वोल्टेज को चेक करेंगे। देखिए मैंने चार्जिंग लगा दिया, अभी देखिए इसमें चार्ज भी हो रहा है, 3.6 आ रहा है, इसका मतलब VPS लाइन ओके है। अब हम नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि इसका ग्राफिक की जो रिक्वायरमेंट +5 वोल्ट और -5 वोल्ट ये दोनों हमें बहुत इम्पोर्टेंट है चेक करने के लिए। तो हम ये दोनों एक बार चेक करेंगे। तो दोबारा बोर्नियो में आते हैं, इसमें चेक करते हैं। देखिए VSP का मतलब जो ग्राफिक की 5 वोल्ट है, पॉजिटिव 5 वोल्ट और ये नेगेटिव 5 वोल्ट। तो हम पॉजिटिव फाइल में 5 वोल्ट में दो चीज़ चेक कर सकते हैं। इसमें दो कंपोनेंट है, हम रेजिस्टर की भी चेक कर सकते हैं और कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं, इसमें कैपेसिटर भी है। तो हम एक बार कैपेसिटर को ही चेक करेंगे। तो इधर से ये आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव है, C2310। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए दिखाई दे रहा है। तो लेफ्ट साइड कोने में है और इसमें रजिस्टर भी है एक, आपको दिखाई देगा, मैं आपको मोबाइल दिखाता हूँ, इसमें रजिस्टर भी दिखाई देगा। ये देखिए ये रजिस्टर, इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव लाइन है। तो हम इसमें +5 वोल्ट चेक करेंगे, देखिए 4.9 आ रहा है, उसका मतलब ये हमारा सही है +5 वोल्ट। अब हम -5 वोल्ट को भी चेक करेंगे, ये VSN और कैपेसिटर इसमें भी है, तो C2311, हाँ इधर है, और इसमें भी एक रेजिस्टर है लगा हुआ है, देखिए
R2315 इसमें भी रजिस्टर है, तो हम इसको भी, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं दोबारा ओपन करता हूँ। एक्चुअल में मैं OBS स्टूडियो में कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो दोबारा आपको दिखाता हूँ। तो दोबारा देखिए, ये हमारा VSP सही है, VSN हम चेक करेंगे, ये -5 वोल्ट है, इसमें R2315 ये हमारा माइनस के लिए है, और इसमें एक कैपेसिटर भी है C2311। इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो देखिए ग्राफिक आईसी की लेफ्ट साइड नीचे में है, और ये हमारा R2315 ये हमारा ग्राफिक सेक्शन एक ही लाइन में है। तो हम ये भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा रजिस्टर और ये कैपेसिटर हम कोई कहीं से भी चेक कर सकते हैं, तो हम इधर चेक करेंगे। देखिए -4.9 वोल्ट, इसका मतलब ये भी ओके है, तो इसका मतलब हमारा ग्राफिक आईसी सही से काम कर रहा है, इसलिए दोनों वोल्टेज सही से आ रहा है। तो अब हम चेक करेंगे कि LCD की जो रीसेट लाइन होता है वो सही है कि नहीं, क्योंकि रीसेट लाइन जब चला जाएगा तो भी ब्लैंक हो जाता है LCD। तो हम लेआउट में LCD सेक्शन को चेक करेंगे, उसके लिए हम LCD जो कनेक्टर है इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा LCD कनेक्टर, डबल क्लिक किया, ये देखिए लेफ्ट साइड आ चुका है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें देखिए ये हमारा LCD की रीसेट लाइन है 24 नंबर, और इसमें देखिए R2307 यहाँ पर एक कंपोनेंट है, इसलिए हम इजीली चेक कर सकते हैं, और इसमें एक कैपेसिटर भी कनेक्टेड है C2303, तो हम कहीं से भी चेक कर सकते हैं। हम सी कैपेसिटर को भी एक बार चेक कर लेंगे, इजी रहेगा। तो डबल क्लिक किया, अभी देखिए 1 2 3 4 चार नंबर पे है, तो हम ये भी एक बार चेक करेंगे LCD में। तो इसके लिए हम LCD कनेक्टर को निकाल लेंगे, मोबाइल चालू है इसलिए हम निकाल सकते हैं। तो ये कैपेसिटर इसमें नहीं है, NC है, और इसमें रेजिस्टर भी है, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए 1.7 आ चुका है, 1.8 वोल्ट, तो ये भी हमारा ओके है। तो दिक्कत किधर से है, वाटर डैमेज होने के बाद तो फ्लैशिंग करना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो दिक्कत नहीं होता है, और मैंने क्लीन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं हो रहा है। तो अब हम एक चीज़ चेक करेंगे जो हमें चेक करना ज़रूरी है, इसमें से I2C लाइन को चेक करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसमें से ज़्यादातर दिक्कत होता है। तो हम I2C लाइन को भी एक बार चेक करेंगे, इसके लिए हम फिर स्कीमेटिक में जाएंगे, तो एक बार फिर से बड़ा कर लेंगे स्कीमेटिक को। I2C लाइन किधर मिलेगा, इसमें तो नहीं है। हाँ, हमारा साफ बोर्ड कनेक्टर पे नहीं, साफ बोर्ड नहीं है इसमें, हमारा टच पैनल के अंदर होता है I2C लाइन। तो हम ये हमारा टच कनेक्टर है, PDA जो होता है टचिंग के लिए, वो टच कनेक्टर है, तो हम इसको चेक करेंगे। तो इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो देखिए CTP ये हमारा टच कनेक्टर की लाइन है, तो इसमें हम सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक इसमें चेक करेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं ये किधर जा रहा है, वो देखना है, कोई कंपोनेंट होगा तो अच्छा रहेगा। तो इसके ऊपर फिर एक बार क्लिक करते हैं, हाँ देखिए इसमें पुल अप रजिस्टर होता है, 2.2 किलो ओम्स का पुल अप रजिस्टर होता है, तो हम इसमें चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सही है कि नहीं। तो ये देखिए नीचे TP टच पैड I2C सीरियल डेटा टच पैड I2C सीरियल क्लॉक,
आई टू सी का मतलब होता है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में आई टू सी बोलते हैं। तो हम इस रजिस्टर को चेक करेंगे, R1307। डबल क्लिक किया तो किधर हमारा आई टू सी लाइन है वो हमें दिखाई देगा। देखिए सीपीयू की कोने में है, लेकिन ये उल्टे साइड है, और कहीं मिल रहा है कि नहीं वो चेक करना है हमें। तो हम यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे, इधर भी मिल रहा है लेकिन इसमें कोई कंपोनेंट नहीं है। फिर एक बार क्लिक करते हैं। अच्छा, इसमें हमें टीपी पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट के टेस्ट करने के लिए जो टीपी पॉइंट होता है वही है टीपी आई टू सी सीरियल क्लॉक। इसमें टीवीएस डायोड भी है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, TP2305 इसमें हम चेक कर सकते हैं। तो ये भी सीपीयू के साइड में, उल्टा साइड में। तो हम दोबारा और चेक करेंगे, बोर्ड के पीछे कहीं तो होगा। टच स्क्रीन के लिए, अच्छा सेंसर के लिए आई टू सी है, तो हमें इधर से भी पता चलता है क्योंकि सेंसर बोर्ड के बाहर होता है, बाहर साइड में। तो R1303 इसके ऊपर क्लिक किया, लेआउट को थोड़ा सा बड़ा करना होगा। दोबारा हम चेक करेंगे इधर, ये भी उल्टा साइड में है, एलईडी के लिए भी है। हमें बोर्ड की पीछे साइड होगा तो चेक करने में इजी रहेगा, नहीं तो बोर्ड बाहर करना पड़ेगा। तो इधर भी एक है R1310, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। शायद ये बोर्ड के बाहर की तरफ है जी, इधर है। तो ये हमारा एलईडी ड्राइवर का सीरियल डेटा क्लॉक है, तो हम इधर से चेक कर सकते हैं। तो उसका पोजीशन एक बार देख लेते हैं बोर्ड में। किधर होगा, किधर होगा, हाँ इधर हो सकता है। बर्नियों को थोड़ा सा छोटा करके देखना पड़ेगा, ये कंफर्म। जी ये हमारा आई टू सी लाइन है, तो हम इधर चेक करेंगे 1.8 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। बर्नियों को हटा देते हैं, देखिए इधर आ रहा है 1.79, इसका मतलब 1.8। ये हमारा 1.8 और ये आई टू सी की लाइन। ये एक रजिस्टर पुल अप किया है, दो रजिस्टर, तो इधर भी आना चाहिए। हाँ 1.79 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आना चाहिए। रजिस्टर सही रहेगा तो इसमें आना चाहिए पुल अप। देखिए इसमें 0.7 ओनली और इसमें 1.89।
तो एक बार कूल टेस्ट करके चेक करना पड़ेगा इसमें क्या है। तो हम मीटर को डायोड मोड में सेट करते हैं। इधर हमारा वैल्यू आ रहा है 8900 के आसपास, और ये हमारा ओनली 10 ओम्स। इसका मतलब ये तो फुल शॉर्ट है। दोबारा सही से चेक करते हैं। रजिस्टर ओके है, लेकिन हम ग्राउंड के साथ जब चेक करते हैं तो ये शॉर्ट बता रहा है। तो इसका मतलब हमारा सीरियल सीरियल डेटा में शॉर्ट होगा। तो हम एक काम करते हैं, तो हमने देखा कि इसका सीरियल डेटा या सीरियल क्लॉक कोई भी होगा इसमें, या हमारा I2C लाइन में शॉर्ट है, तो ये किधर तक जा रहा है वो भी चेक करना है, क्योंकि एक ही IC तो नहीं हो सकता। इसमें लाइट सेक्शन के लिए होता है, ग्राफिक IC के लिए सीरियल डेटा क्लॉक होता है I2C के लिए। तो हम ग्राफिक IC को एक बार चेक कर लेंगे। तो इसके लिए हमें निकलना पड़ेगा सब IC एक एक करके, क्योंकि इसमें हम वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमारा डाटा क्लॉक की लाइन है, अप्लाई करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें शॉर्ट रहेगा तभी ये हीट नहीं होगा। तो हम एक एक करके निकाल देंगे तो हमें पता चलेगा कि शॉर्ट किधर से है और किधर नहीं है। तो सबसे पहले हम इस IC को एक बार निकाल देंगे और चेक करेंगे कि इसमें क्या है। तो अभी हम बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। अब हम इस IC को एक बार निकाल देंगे। सेम I2C लाइन हमारा जो ग्राफिक IC होता है उसमें भी होता है, टास्क पैड के लिए भी होता है, लेकिन हमने जब टेस्ट किया था वो टास्क कनेक्टर ओपन था, मैंने नहीं लगाया था। तो उसका मतलब हमारा टास्क में कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो इसमें हो सकता है, नहीं तो टास्क कनेक्टर में जो TBS डार्ट होता है उसमें भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले इस IC को एक अब हम चेक करेंगे दोबारा कि इसका शॉर्ट निकल चुका है या नहीं। इसके लिए हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा शॉर्ट था, देखिए अभी भी शॉर्ट है, उसका मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम ग्राफिक IC को एक बार निकाल देते हैं, क्योंकि ग्राफिक IC में भी शॉर्ट हो सकता है। सेम लाइन हमें वन बाय वन चेक करना है। बार ग्राफिक IC को भी एक बार ओपन करते हैं। देखिए मैंने ग्राफिक IC को उठा लिया, और इसमें देखिए अभी तक वाटर डैमेज का निशान है।
तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम क्लीन करेंगे इसको और फिर चेक करेंगे कि हमारा शॉट निकला या नहीं। दोबारा हम वही रजिस्टर को चेक करेंगे क्योंकि एक ही लाइन सब जगह पर है। देखिए अभी हमारा शॉट गायब हो चुका है। गर्म है इसलिए 1000 वैल्यू आ रहा है और मैंने फॉरवर्ड बायस में चेक कर रहा हूँ, दोनों को लगभग सेम है। तो इसका मतलब हमारा ग्राफिक आईसी में ही प्रॉब्लम है। तो हम उस आईसी को लगा देते हैं एक बार, फिर ग्राफिक आईसी को एक बार चेंज करेंगे। हम लगा दिया। अब हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे बोर्ड को, इसके बाद दूसरा ग्राफिक आईसी इसमें लगाएंगे। तो थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ग्राफिक सेक्शन को। ब्रश से हम साफ करेंगे। अभी क्लीन हो चुका है, अब हम इसमें एक दूसरा आईसी लगाएंगे। बॉल एकदम परफेक्ट है इसलिए हमें दोबारा बॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम कोई भी आईसी पिटा सकते हैं अगर उस आईसी का बॉल सेम हो तो, यानी सब बॉल बराबर हो तो हम पिटा सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा फ़ोन से मैंने निकाला था, इसका बॉल भी लगभग परफेक्ट है तो हम इसको पिटा देंगे उसमें। डायरेक्शन हमें देखना है सही से। थोड़ा सा फ्लक्स देंगे नहीं तो हीट मारते टाइम उड़ जाएगा, ऐसे नहीं बिठेगा। जब तक आईसी नहीं बैठे तब तक हमें पकड़ के रखना पड़ेगा नहीं तो एक्साइट हो जाएगा। आपका हैंड स्किल अगर अच्छा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा कीजिए कि उसका जो बॉल है वो क्लीन करके आईसी को दोबारा बॉल करके फिर लगाइए, नहीं तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। हमने बार बार प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत हैंड स्किल को सेट किया इसलिए हम ऐसा कर रहा हूँ। और आपने भी बहुत सारे वीडियो में देखा जो मैंने बनाया था, उसमें भी मैंने ज़्यादातर आईसी को बिना बॉल किए डायरेक्ट बिठाता हूँ। देखिए ये बैठ चुका है। अब हम दोबारा
आईटीसी लाइन को चेक करेंगे कि दोबारा शॉर्ट हो गया तो नहीं। अगर दोबारा शॉर्ट हो जाएगा तो वही दिक्कत आएगा। इधर शॉर्ट था, नहीं अभी सेम ही है, दोनों सेम है, दोनों वैल्यू। इसका मतलब ग्राफिक आईसी प्रॉब्लम था इसमें, इसके अंदर भी सेम लाइन जाता है। तब तक ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि सेम ही है। आईटीसी लाइन सेम है, तो आपको दिखाता हूँ। ये हमारा आईटीसी, सॉरी ये हमारा ग्राफिक आईसी है और इसमें आपको दिखाई देगा, देखिए सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक इसमें भी है, B2 C2 दोनों में है, LED I2C सीरियल डेटा। तो ये एक बार देखना पड़ेगा किधर से आ रहा है। यहाँ पर पुल अप वोल्टेज 1.8 वोल्ट और दो रेजिस्टर लगा के पुल अप किया है। इधर डबल क्लिक करेंगे तो वही आईसी दिखाएगा। इसका मतलब जो ग्राफिक की जो आईटीसी लाइन है वो इधर से डायरेक्ट इधर तक आ रहा है। तो उसका मतलब ये आईसी कौन सा है ये तो देखना पड़ेगा। ओह अच्छा, ये एलईडी ड्राइवर, इसमें भी सीरियल डेटा क्लॉक की ज़रूरत है, लेकिन पुल अप रजिस्टर एक ही लगाया है। मतलब सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक में दो रजिस्टर है लेकिन एक ही जगह पर है। तो अब हम दोबारा चेक करते हैं, बोर्ड लगभग ठंडा हो चुका है। देखिए बोर्ड को मैंने वो मोबाइल पे लगा दिया, वो एक बार ऑन करके चेक करते। देखिए मोबाइल ऑन हो रहा है, चार्ज कम है इसलिए चार्जिंग में लगाना पड़ेगा। देखिए अभी मोबाइल ऑन हो रहा है, इसका मतलब आईटीसी लाइन में प्रॉब्लम था इसलिए ऐसा कर रहा था। मैं तो कंफ्यूज हो गया था कि इसमें तो ग्राफिक वोल्टेज सही आ रहा है, एलसीडी रीसेट लाइन सही आ रहा है, फिर ऐसा क्यों कर रहा है। बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि इसमें सॉफ्टवेयर का इशू, लेकिन वाटर डैमेज होने के बाद सॉफ्टवेयर का इशू कभी नहीं होता, क्योंकि वो रैम और रोम के अंदर ही रहता है। तो वाटर डैमेज होने के बाद सॉफ्टवेयर का इशू नहीं होता है, अपडेट होने के बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन वाटर डैमेज होने से बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। फ्लश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जस्ट आपको हार्डवेयर में चेक करना है, क्योंकि वाटर डैमेज हुआ तो हार्डवेयर में ही हुआ, सॉफ्टवेयर में तो नहीं हुआ। एक बार देखते हैं पूरी तरह से मोबाइल ऑन होता है कि नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके लिए जो रियल वीडियो होता है, फेक वीडियो मैं नहीं डालता हूँ, आपके लिए रियल वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ और नॉलेजेबल वीडियो डालता हूँ जो यूट्यूब पे कम मिलता है, वही मैं कोशिश करता हूँ।
अच्छा एक बार बैटरी को रिकनेक्ट करते। हार्ड रिसेट करने के बाद बैटरी को डिसकनेक्ट करके फिर लगा देंगे तो बूटिंग टाइम थोड़ा कम रहेगा, तुरंत बूट हो जाएगा। तो देखते हैं अगर कोई इसमें फ्लैश किया हो या हार्ड रिसेट किया हो तो पता चलेगा। एक बार दोबारा चेक करते हैं। अभी भी वही कंडीशन है। अच्छा ऑन हो गया, देखिए डिस्प्ले का अंदर पानी का निशान है और ये टच काम नहीं कर रहा है, क्या हो सकता है? कनेक्टर तो मैंने सही से लगा दिया फिर भी टच काम नहीं कर रहा है, तो टास्क को भी एक बार चेक करना पड़ेगा। कंप्लीट करते मोबाइल को, इसका भी जो रिक्वायरमेंट होता है वो भी हम चेक करेंगे। तो अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे टास्क पैनल के लिए। अच्छा टॉर्च पैनल को हम स्कीमेटिक में देख लेते हैं। टॉर्च कनेक्टर को तो टॉर्च कनेक्टर किधर है? इधर, ये हमारा टॉर्च कनेक्टर यही है। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब हम इसमें से वोल्टेज चेक करेंगे। वीरेस EL10 2.8 वोल्ट, ये किधर जा रहा है? 2.8 वोल्ट, ये कौन सा आईसी? अच्छा ये IR सेंसर का आईसी है, इसमें भी I2C लाइन है। तो 2.8 वोल्ट को हम चेक करेंगे एक बार, ये कैपेसिटर शायद होगा। नहीं ये तो नहीं है। ये कैपेसिटर होगा शायद, हाँ वोल्टेज लाइन 2.8 ये कैपेसिटर में है। तो हम इधर चेक कर लेते हैं। ये हमारी 2.8 की लाइन है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। टच कनेक्टर को निकाल के चेक करते हैं एक बार। अच्छा ये शॉर्ट है कि नहीं वो भी चेक करना है। वाटर डैमेज होगा तो कुछ भी हो सकता है, ऑन बाय ऑन चेक करना है इसमें। अच्छा ये भी शॉर्ट है, 2.8 ये भी शॉर्ट है, ये तो फुल शॉर्ट बोल रहा है। तो एक काम करते हैं, इधर 2.8 की लाइन है तो हम 2 वोल्ट मैक्सिमम सेट करके 5 एम्पियर सेट करके इसमें एक बार देते हैं और देखते हैं किधर हीट होता है। देखिए मैंने 2 वोल्ट सेट किया, आपको दिखाई दे रहा है मीटर में। हम यही वोल्ट यहाँ पर देंगे, जीरो पॉइंट वन एट एम्पेयर ले रहा है।
हीटिंग किधर हो रहा है वो भी हमें चेक करना है। तो हम एक काम करते हैं, दोबारा एक आजी इस आजी को उठा लेते हैं और देखते हैं, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है ये आजी खराब हो सकता है। टू पॉइंट एट वोल्ट की लाइन इसमें भी है। हाँ इसमें होगा शायद, देखते हैं एक बार। देखिए इसमें भी 2.8 वोल्ट लाइन है, ये की लाइन जा रहा है, इसलिए मैं इसके ऊपर डाउट कर रहा हूँ। तो हम इसी आईसी को दोबारा ओपन करके फिर चेक करेंगे कि इसका शॉर्ट का क्या हुआ। या हमारा ये आईसी शॉर्ट हो सकता है, कैपेसिटर को नहीं उठाएंगे, आईसी को ही उठा देंगे। बहुत कम शॉर्ट है इसलिए। और फ्रेंड्स हमारा लैंग्वेज कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, इसलिए आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि टीचिंग करना मेरे को नहीं आता है। मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ लेकिन टीचिंग करना नहीं आता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताने में और दिखाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ दिन में शायद ठीक हो जाएगा, फिर मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ ऐसा लैंग्वेज है जो मेरे को आता नहीं बोलने में, मैं बोलने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं आता है, इस वजह से मैं कुछ कुछ चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, क्योंकि बात करने में दिक्कत होगा तो कुछ भी नहीं होगा वीडियो में। बोर्ड अभी गर्म है, फिर भी हम चेक करेंगे क्योंकि फुल शॉट है, जितना भी कितना भी गर्म हो फिर भी फुल शॉट तो नहीं दिखाना चाहिए। देखिए शॉट हमारा हट चुका है, इसमें भी दोबारा चेक करते हैं, देखिए इसमें भी शॉट नहीं है, इसका मतलब ये आईसी भी खराब है। तो हम एक काम करेंगे, दूसरा बोर्ड से इस आईसी को रिप्लेस करेंगे बाद में, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसका टच अभी से सही से काम कर रहा है कि नहीं, सही हुआ कि नहीं। तो एक बार बोर्ड को फिटिंग करके चेक करते हैं। मोबाइल ऑन हो गया, हम वोल्टेज को भी एक बार चेक करेंगे, तब तक मोबाइल ऑन हो रहा है। देखिए 2.7 अभी आ रहा है, तो इसका मतलब टच भी चलेगा, अगर टच सही हो तो। देखते हैं, मोबाइल तो ऑन हो रहा है।
31% चार्ज है, मुझे लगा था इसमें चार्ज नहीं है। देखिए अभी टच हो रहा है। ओके टच कंप्लीट। तो इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया। एलईडी भी जल रहा है तो वो कोई सेंसर होगा, हम उसको लगा देंगे बाद में। अभी के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।